हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वीडियो के द्वारा बताएंगे आरआरसी रेलवे ग्रुप डी में जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनका कब तक सही किया जाएगा और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम समझौता कब तक लिया जाएगा, इसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में लगभग 4 लाख से अधिक स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जिसके कारण काफ़ी बच्चे परेशान दिख रहे हैं और सभी जगह अपना जानकारी शेयर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से संसद में भी इसकी जानकारी दी गई थी। संसद में भी इसका सवाल उठाया गया था कि 4 लाख से अधिक स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है और इन स्टूडेंट का, जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट किया है उनका किसी तरह से सही करवाया जा सके। तो दोस्तों, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यह जानकारी दिया गया कि रेलवे ग्रुप डी में 4 लाख अप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट उम्मीदवार को एक मौका और दे सकता है रेलवे भर्ती बोर्ड। तो दोस्तों, किस कारण से रिजेक्ट हुआ इसकी जानकारी आप लोगों को होगी। फोटो और साइन की वजह से रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और काफ़ी बच्चे का मानना है कि उनका फ़ोटो और साइन सही होने के बावजूद भी उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और आप लोगों को बता दें कि मेरे द्वारा भी फॉर्म भरा गया, जो वो भी दो फॉर्म, उसमें से दो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी हम भी ऑप्शन नोटिफिकेशन के अनुसार जिस प्रकार से फ़ोटो और साइन मांगा गया था उसी प्रकार से हमने सही सही फॉर्म फिलअप किया था, फिर भी मेरा दो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी मेरे द्वारा भरा गया भी फॉर्म सही था, फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी रेलवे से गलती हुई है, जिसके कारण काफ़ी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इससे पहले जितने भी रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एलपी की वैकेंसी आई थी, इस तरह का देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे में इन सभी बच्चे जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनका किसी भी हालत में सही किया जा सकता है और रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा है कि जाँच किया जाएगा, जिन बच्चे का रिजेक्ट हुआ है उसका जाँच किया जाएगा। अगर जाँच में सही पाया गया तो उन सभी बच्चे का फॉर्म के लिए फिर से एक लिंक दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना फ़ोटो और साइन को सही कर सकते हैं। यानी जांच में, रेलवे भर्ती बोर्ड का कहना है कि जांच में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, यानी 15 से 20 अगस्त तक का समय मांगा है और 15 से 20 अगस्त तक आप सभी को यह जानकारी मिल जाएगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वह कब तक आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस मंथ के अंदर ही आप सभी का एक लिंक ओपन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना फॉर्म को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की बात करें एग्ज़ाम की, तो इस एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 15 सितंबर के बाद संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि 15 सितंबर के बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है और रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा तभी आरआरसी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम संभव हो सकता है। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम की बात करें तो अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है और एनडीटीवी इंडिया के द्वारा और न्यूज के माध्यम से यह जानकारी दी जा रही है कि पहले रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो आप लोग जानते होंगे। और रेलवे ग्रुप डी फॉर्म रिजेक्ट की बात करें तो हमने भी रवीश कुमार जी को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया था कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, न्यूज़ दिया जाए, लेकिन रवीश कुमार जी ने इस पर नकार दिया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं और इस प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम आते रहते हैं और सब पर वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसीलिए रवीश कुमार जी ने एकमात्र पोस्ट किया था और आप सभी को जानकारी दिया था कि आप सभी खुद अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी में आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप लोग घबराए नहीं, आप सभी का फॉर्म किसी भी हालत में सही किया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी और आगे की न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, आप सभी को पूरी संभव मदद इस चैनल के माध्यम से और हमारे द्वारा की जाएगी। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।